जय हिंद दोस्तों, आप सभी के साथ एक छोटी सी अपडेट मुझे शेयर करनी थी। मुझे बहुत सारे मेल्स रेगुलरली, पहले ऐसा होता था कभी एक दो मेल्स रिसीव होते थे इस चीज़ से रिलेटेड, बट अभी मैक्सिमम मेल्स जो है मुझे इस चीज़ से रिलेटेड मिल रहे हैं, जहां पर आप लोग कह रहे हैं कि मैम हम आपको इतना पे कर देंगे, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है वो प्रमोट कर दीजिए, मैम आप अपना प्रमोशन अमाउंट बता दीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। देखिए, मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और एज़ एन इन्फ्लुएंसर भी मैं यहाँ पर काम करती हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मेरा कोलेबोरेशन रहता है और उनके साथ मैं काम करती हूँ, बट आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी पार्टिकुलर चैनल के बारे में मैंने ये कहा हो कि जाइए आप ये वाला चैनल जो है देख लीजिए। हाँ, कोई जेन्युइन ऐसे होता है कि मेरे को अपने से लगता है कि आप लोग पूछते हैं कि मैम सी टेट के लिए बहुत बेहतरीन बता दीजिए, जहाँ से आप या तो आप क्लासेस देना शुरू कर दीजिए, हमें नोट्स दे दीजिए, वरना कोई चैनल जो है वो रिकमेंड कर दीजिए, कोई टेलीग्राम ग्रुप जो है वो रिकमेंड कर दीजिए, तो उस केस में मैं सर्च करती हूँ और वैसी चीज़ें आप लोगों के लिए रिकमेंड कर देती हूँ, क्योंकि वो आपकी क्वेरी होती है। बट आपका ये कहना कि आप हमारा चैनल प्रमोट कर दीजिए, तो फिर तो मेरा चैनल तो सिर्फ दूसरे चैनल्स को प्रमोट करने के लिए रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी की हेल्प करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, सबकी जो प्रॉब्लम होती है वो जेन्युइन होती है, सबको नीड होती है, सबको लगता है यूट्यूब पे आए हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाए, हम शायद आगे पहुँच जाएँ और हमारी वीडियोज़ चल जाएँ। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी एक वीडियो पर 100, 200, 400, 500, 1000 व्यूज़ अगर आ जाते हैं किसी के रिकमेंडेशन से, तो वो एकदम बेकार होते हैं। वो किसी के कहने पर आपका जो सब्सक्राइबर होता है, जो आपका व्यूअर होता है, वो वहाँ पहुँच तो जाता है, बट उसके बाद अगर उसको आपकी वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो उसके काम की ही नहीं है, उसके लॉजिक ही नहीं है, वो देखने भी पहुँच गया, उसने वीडियो देख भी ली, उसने सब्सक्राइब भी कर लिया चलिए मेरे कहने से, बट आपका कंटेंट उसके लिए वर्थफुल नहीं हुआ, तो वो आपकी वीडियो से वापस लौट के नहीं आएगा। यानी वो सब्सक्राइबर आपका एकदम डेड सब्सक्राइबर हो गया, किसी यूज़ का ही नहीं रहा। और इससे YouTube को भी एक नोटिस जाता है कि लोग किसी लिंक से रिडायरेक्ट होकर जो है आपके चैनल पे पहुंच रहे हैं, माइट भी कुछ स्पैम हो रहा है, आप अपने चैनल को पैसे देके इस तरीके से इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक स्पैम की कैटेगरी में आता है। और दूसरी बात कि अगर मैं किसका बताइए, मतलब इतने सारे लोग, सबकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ, किसको मैं कम्युनिटी में शेयर करूँ, किसको मैं प्रमोट करूँ, है ना, तो सब या तो कोई जस्टिस हो वो सबके साथ एक जैसा हो, या फिर नाइंसाफ़ी हो तो सभी के साथ हो। तो मैंने आज तक पर्सनली, मैं इतना टाइम हो गया यूट्यूब पर काम करते करते, मैं काम मेरे पास टाइम होता है तो मैं करती हूँ, और हमेशा ऐसा नहीं होता, चैनल का ग्राफ कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी एकदम डाउन चला जाता है, लगता है कि हाँ भाई यूट्यूब का कैरियर जो है इससे बुरा कभी नहीं हुआ, बट उसका रीज़न होता है। अगर मैं अपने आप से पूछती हूँ कि पूनम ऐसा क्यों हुआ तेरे साथ, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया उस टाइम में, और उसका रिग्रेट ज़रूर रहता है कि मैंने यूट्यूब को टाइम नहीं दिया, यूट्यूब पर काम नहीं दिया, पर कभी ऐसा नहीं है कि मेरे हार्डवर्क में कोई कमी होती है, क्योंकि मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं वर्किंग हूँ गवर्नमेंट जॉब में, और वहाँ पर भी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बहुत सारे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो मैंने सामने से ली है, क्योंकि मैं जिस प्रोफाइल में हूँ, जो मेरी जॉब मेन मेरी जॉब प्रोफाइल है, मैं उसमें भी अपने आप को कहीं भी कमतर नहीं आती, मतलब मैं एक्टिवली ज़रूर से ज़्यादा सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो वहाँ पर भी मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें मेरा टाइम अगर उधर कंज्यूम होता है तो यूट्यूब की तरफ कम हो जाता है, और कम होता है तो ऑब्वियस है आपके चैनल का ग्राफ गिरता है, फिर बहुत लिमिटेड वर्क मैं आप लोगों के लिए कर पाती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग भी इस चीज़ को लेकर भी कहते हैं कि बहुत ईगो आ गया, अब तो कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं करती है, 10 में से सिर्फ 4 लोगों के कमेंट्स को पढ़ती है, तो आप खुद सोच के देखिए कि जैसे जैसे ये फैमिली बढ़ती चली जाती है, मैं सिंगल हैंडेडली इस टास्क को करती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तो टीम के लिए भी अप्रोच करती हूँ कि कोई आइए मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाइए, फिर वही, पर जो मेरा खुद का बोरिया बिस्तरा एक जगह मेरा ठिकाना है ही नहीं, सामने से कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो कहते हैं कि मैम हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार, मुझे इतनी खुशी होती है कि हम आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब हमें खुशी होगी अगर हम आपके लिए काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात है कि मैं ऐसे लोगों को अपने साथ रखूं और उनकी मेहनत लूं और उनके बदले उन्हें कुछ ना दूं, तो ये चीज़ मुझे गवारा नहीं होगी, और उन सबको मैनेज करने के लिए भी मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम रहता है। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि बेटर है जब चीज़ें सब बहुत अच्छे से चलती हैं तो व्हाई आई एम पोस्टिंग सच कंटेंट जो रिफाइंड नहीं होता, एडिटिंग पूरी मतलब नहीं होती, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, शूट किया फटाफट डाल दिया कि अच्छा चलिए आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए एडिटिंग एंड पार्ट, बट आज की डेट में कंपटीशन है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मैं उन चीज़ों में अपने आप को पीछे रख देती हूँ, है ना, तो उसका खामियाजा मुझे और मेरे चैनल को भुगतना पड़ता है, आप लोग ये समझ जाइए। मैं सामने से कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूबर ये बोलता होगा कि मैं मिस्टेक्स करता हूँ, भाई मैं तो बहुत बड़ा धुरंधर हो गया इतने टाइम से काम करता है, और अब मेरा चैनल उठा के देखिए आज भी उसी बेसिक से और उसी लेवल पर मैं काम करती आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास
पास सारे गैजेट्स नहीं है, कोई कमी है, अभी कोई कितना भी मार्केट में बड़े से बड़ा गैजेट आए मैं मंगवा सकती हूँ, बट मैं उसको मतलब हैंडल नहीं कर सकती अभी, मैं उसको कैरी कर करके हर जगह अपने साथ नहीं ले सकती। अभी आज एक वीडियो क्वालिटी मेरी एक्सट्रीम हाई लेवल की हो गई और दूसरी बहुत ज़्यादा गिर जाए तो वही मेरी ऑडियंस को प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मेरी ऑडियंस को पता है कि हाँ ये बहुत बेसिक वीडियोज़ बनाती है, ये ऐसी वीडियो बनाती है, इसका बात करने का तरीका भी वैसा ही रहता है, बहुत प्रोफेशनल नहीं होती है, जबकि एज अ टीचर मेरे पास जो शब्दकोश है हिंदी और इंग्लिश का वो इनफ है कि मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों तक जो भी मेरी कंटेंट है वो पहुंचाऊं, बट मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लेवल पर रहकर आप लोगों से बात कर पाती हूँ, आप लोगों की टीचर्स की प्रॉब्लम्स को उनके लेवल पर रहकर सॉल्व कर पाती हूँ, शायद यही रीज़न है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। तो इन दैट सिचुएशन आप लोग अपने आप को ये डिमोटिवेट कर रहे हो कि सामने वाला बंदा जो बैठा है ना वो बड़ा सा यूट्यूबर अगर मुझे प्रमोट कर दे तो भाई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होता। जेन्युइनली बोल रही हूँ, आपका चैनल ग्रो करेगा जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप उसे इनपुट देंगे तब आपका चैनल रिटर्न में आपको आउटपुट ज़रूर देगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जहाँ जहाँ मैंने लूपहोल्स करे हैं, जब मैं गड़बड़ करती हूँ तो उसका फीडबैक कुछ दिन बाद ही मेरा चैनल मुझे देना शुरू कर देता है, और वो जेन्युइन नहीं होते, उसमें मुझे पता होता है कि मेरी नेग्लिजेंसी किस रीज़न से है, बट यही रीज़न है कि आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। आप ये नहीं माइंडसेट कर पा रहे हो कि मुझे किस ट्रैक से काम करना है। अभी मेरे जैसे भाई इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, तो मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे है फ्रेंड है, तो उसने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है एंड ही इज़ मेकिंग ऑसम कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट TLMs के ऊपर और बहुत अच्छे अच्छे मतलब टीचिंग रिलेटेड जो भी गैजेट्स होते हैं पढ़ाने के लिए, वो अल्टीमेट वीडियोज़ बनाता है विद गुड क्वालिटी ऑफ एडिटिंग, क्योंकि बीटेक है, बीटेक करके वो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ही इज़ इनफ मतलब नॉलेज है उसको टेक्नोलॉजी एंड ऑल के, तो बहुत बढ़िया एडिटिंग रहती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है, एवरी थिंग इज़ ऑसम, बट वीडियोज़ आगे नहीं चल रहे। बोला मैडम वीडियोज़ आगे नहीं चल रही है, चलिए ठीक है, मैंने कहा मैं देखती हूँ चैनल को, अच्छा मैंने कुछ चीज़ें बताई तो थोड़ा ओके हुआ, बट अभी मैं कल देखती हूँ कि उसकी वीडियो जो है रात को 1:30 बजे उसने वीडियो मतलब मैं जग रही थी, मैं काम कर रही थी, आई वॉज डूइंग, बट देखा कि ही सेंडेड द लिंक की ये वीडियो है ये व्हाट्सएप पे, उसने ब्रॉडकास्ट बना रखा होगा और आप लोग देखिए उसमें सारी डिटेल्स थी TLM एंड ऑल की और वीडियो की। अब एक बात बताइए, रात को 1:30 बजे वो वीडियो मुझे भेज रहा है, चलिए मैं तो जगी हुई थी, बट कौन, और टीचर्स जिनके लिए वो वीडियो है या स्टूडेंट्स, क्या वो पीक टाइम है कि वो लोग जग के उसकी वीडियो देखेंगे? और वीडियोज़ आपकी इमीजिएट यूट्यूब पे पहुंची और उस पे जैसा रिटेंशन आया, ऑडियंस ने उसे कितना देखा इमीजिएटली और उसके बाद वो वीडियो पे कितना टाइम स्पेंड किया, इस पर आपकी वीडियो ग्रो करती है ना, इस पर आपका चैनल चलता है। बट आप ऐसे टाइम पे भेज रहे हो, दुनिया सो रही है उस टाइम पर, तो कौन आपकी वीडियो देखेगा ना। तो फिर मैंने उसे लिखा, मैंने कहा भाई ये कौन सा टाइम है तेरा वीडियो देखने का, चल मैं जग रही हूँ, मेरा तो सेम ऐसा ही वाला काम है, बट और कौन सा मास्टर जग रहा होगा जो तेरी, कि मैडम सुबह उठ के देख लेंगे, अरे सुबह तक तो मतलब गई भैंस पानी वाली सिचुएशन हो जाएगी, तब लोग थोड़ा इतना टाइम हो जाएगा तेरी वीडियो को ब्लैंक और डेड पड़े हुए, अब वो 8 से 9 घंटे में लोग उठेंगे फिर देखेंगे, और तो शेयर कर रहा है उस वीडियो को बीच में अगर उसने छोड़ दिया तो। तो ये चीज़ें जो है ये मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर बैठते हैं, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी समझनी होगी, कैसे मुझे टाइटल डालना है, कैसे टैग्स यूज़ करने हैं, कैसे मैं डिस्क्रिप्शन डालूं जो फलाने की जो वीडियो है ना वो सेम टाइटल्स पे जो है वो चल गई, मेरी क्यों नहीं चली जब मैंने भी सेम टाइटल डाला है ना, या तो आप बहुत बड़े फेस नहीं हैं, अच्छे कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं किए, और शुरुआत में आप वैसा कंटेंट बनाने बैठ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं कि लोग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे। भाई शुरुआत में आप जो भी कंटेंट बनाएं वैसा बनाएं जो लोगों को चाहिए, लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उसका सर्च रिजल्ट ढूंढिए, तब आपकी वीडियोस जो है वो लोगों तक पहुंचेंगी, किसी XYZ के किसी इन्फ्लुएंसर्स के कहने से लोग आपके चैनल पे नहीं आएंगे। बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ आपको देनी थी, और YouTube में कब किसकी किस्मत बदल जाए यहाँ पर कोई नहीं कह सकता, उभरती हुई किस्मत डूब जाए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कब आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर बैठे जो आपको सारे करियर जो है यहाँ पर बर्बाद कर दे, ठीक है आपके चैनल आपका बंद हो जाए कुछ नहीं पता, बट कब आपकी कौन सी वीडियो आपको एज ए बूम करके सितारा बना दे, बाकी जिनसे आज आप कह रहे हो कि मुझे प्रमोट कर दो उनसे कहीं आगे आप निकल जाओ, ये भी कोई गारंटी नहीं होती। द ओनली मतलब की मैं कहूँगी यहाँ पर सक्सेस की, कि हार्डवर्क कंसिस्टेंसी के साथ अगर करेंगे तो डेफिनेटली, और कुछ नहीं है ना, मैं कह रही हूँ आपकी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो जाती है, आप काम करना सीख जाते हो, अब बहुत सारी नई चीजें, आप अपने आप से लड़ना, अपने आप को प्रेजेंट करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, और इतने ग्लोबल वर्ल्ड में लोग क्या कर रहे हैं, नया नया कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब से
सीख जाते हो, तो ये सब करते रहिए ना, दूसरों से इस तरीके से भीख मत मांगिए कि तुम मुझे प्रमोट कर दो। मैंने क्या बोला, क्या पता कल को आपका चैनल मुझसे भी इतना आगे चले जाओ कि कल मुझे प्रमोट करने को मना कर रही थी, अब बता दो। तो मैं चाहती हूँ ये वाली गट फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ यूट्यूबर्स को, मतलब मेरे साथ तो ऐसी वाली सिचुएशन है कि सामने से कुछ चैनल जिनके साथ इंटरव्यूज़ हुए, कोलैब हुए, उन लोगों को मैं जानती हूँ, अदरवाइज भाई मेरे नोन में कोई यूट्यूबर ही नहीं है। समटाइम्स ऐसे स्पॉन्सर्स होते हैं कि मैडम आपके पास सेम कैटेगरी, आप औरों से बात कर लीजिए जो हमारी इससे रिलेटेड वीडियो बना दें। भाई मैं नहीं जानती यूट्यूबर्स को, मेरे पास मतलब वो वाली जोन की दुनिया में है ही नहीं, मेरा अपने डिपार्टमेंट में इतना सारा काम रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। और ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड आप लोग वीडियोस यहाँ पर मांगते हैं, टीचिंग टिप्स गुरु वाले चैनल पे वो वीडियोस मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वेरियस जॉब वैकेंसीज जो आती हैं, जिनकी वीडियोस नहीं बना पाती, डायरेक्ट लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई करिए। और क्योंकि एक ही चैनल पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और पोस्ट करनी होती है, तो उसकी वजह से वो मैं टीचिंग टिप्स ग्रुप पर जो डेमो रिलेटेड, लाइव क्लास रिलेटेड वीडियोस और जॉब रिलेटेड वीडियोस मैं टीचिंग टिप्स ग्रुप पर पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर देख लिया करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी अगली वीडियो में। तब तक आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं बने, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद।